અને ગુજરાતની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ। सस्ता भावे सोनू आपवानी लालच आपी नकली पोलिस बनी दरोड़ा पाड़ी सोनू खरीदवा आवेल लोकोना पैसा लूंटी लेती आंतरराज्य गैंग ने रामोल पोलिसे झड़पी पाड़ी छे। नकली पोलिस बनी ने लोकोने लूंटी गैंग रामोल पोलिसे बातमीना आधारे वॉच गोठवी पकड़ी पाड़ी छे। आ गैंग ने एक महिला सहित 7 सभ्यों ने पकड़ी पाड़वामां आव्या छे। पोलिस ने चोक्कस बातमी हती अने तेना आधारे वॉच गोठवी अने कार चालक आवता तेने रोकीने पकड़ी लेवामां आव्या हता। कार में रहेला माणसों की पूछपरछ करी थी। कार में एक महिला सहित 7 लोग सवार था। ड्राइवर सीट पर बैठेला इस समय पोते अमरायवाड़ी में पीएसआई होवानी ओळख आपता पोलीसे तेनु आई कार्ड मांग्यु हतु। आरोपीए आई कार्ड पण बतावी हतु जेमां पीएसआई ना कार्ड में बक्कल नंबर लखेलो न होवाथी आई कार्ड बनावटी होवानु जाणवा मळ्यु हतु। जे बाद पोलीसे तमाम आरोपीओनी उलट पूछपरछ करी हती जेमां आरोपीनो भांडो फूटी गयो हतो। जे आरोपी पकड़ाय छे ते आरोपीओ में किरेट अमीन अने भावना अमीन पति पत्नी होवानुं जणावी रह्या छे। ज्यारे जावेद हुसैन जगमोहन शास्त्री अने वसीम अली सैयद आ त्रणेय आरोपीओ सस्तु सोनू आपवानी लालच आपीने ग्राहक ने पैसा लईने बोलावता हता। ज्यारे कोई व्यक्ति पैसा लई आवे त्यारे किरेट तेनी पत्नी पंकजसिंह राठौड अने अन्य केटलाक लोको बनाव स्थळ पर रेड करी सोनू खरीदवा आवेला व्यक्ति ने पोलीसनी ओळख आपी खोटा केसमां फसावी देवानी धमकी आपीने लूंटी लेता हता। आ प्रकारनी लूंट छेल्ला 3 वर्षथी करता आव्या छे। धाड़ करता आवा आरोपी पासेथी पोलीसे बनावटी आई कार्ड 2 एरगन 12 नंग मोबाइल फोन पोलीस यूनिफॉर्ममां दंपतीना पासपोर्ट साइजना फोटो अने केटलीक बनावटी चलनी नोटो सहित कुल 1,30,00,000 रूपियानो मुद्दा माल जप्त कर्यो छे। हाल पोलीसे तमाम आरोपीओनी पूछपरछ करी वधु तपास शुरू करी छे। तपास दरमियान अनेक गुनाना भेद उकेलाय तेवी शक्यता छे। અને સાથે ચલની નકલી ચલની નોટો ગાડીમાં હતો એના ફર્ધર પૂછપરછ કરતા પોલીસને ખબર પડી કે આ બધા માણસોને બહેલાવીને ફુસલાવીને લાલચ આપીને અપને પાસે પૈસા મંગાવે છે। એના એક વાર પૈસા લઈને માણસ આવી જાય તો ત્યાં આ લૂંટ અને ધાણ કરીને ત્યાંથી નાસી જાય છે। એના આધારે પોલીસને અત્યારે બી આ માણસ જો પકડાયા એ અપને બાકી સાથીઓની સાથે એવી એ એક લૂંટ અને ધાડ કરવાની તૈયારીમાં હતા જે વખતે પોલીસને એને પકડાયા છે। એને બધા આરોપીઓની સાથે ફર્ધર પૂછપરછ કરતા તો પોલીસને ખબર પડી કે આ માણસોને પિછલે 3 વર્ષમાં અંદાજિત 35 એવી રીતેના ગુના આપણા રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં કરેલ છે।